सर कुछ पैसा हमें भी दे दो, इतना कमाते हैं भगवान के आशीर्वाद से। ऐसी बात कहने वाले मेरे पास पूरे महीने में लगभग 1.5 लाख लोग हैं, और उन 1.5 लाख लोगों में फिर मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा बच्चा है जिसको सच में जरूरत है, और हम उस तक पहुंचाते भी हैं पूरी मदद। तो आप सोच लो, अब 1.5 लाख को मल्टीप्लाई कर लो। आज जो भाई साहब का कॉल आया था वो कितने की डिमांड कर रहे थे, कोई 10 लाख की करता है। मेरे मेल पे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे मेल पे अप्रोक्सीमेट जो टोटल डिमांड्स हैं वो 150 से 125 करोड़ की हैं। किसी को 10 लाख चाहिए, ऐसे ऐसे मैसेज हैं। एक रूबी नाम की लड़की का 3 दिन पहले मैसेज था कि मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे आईफोन 14 दिला दो और मेरी जैसी जॉब लगेगी तो मैं आपको लौटा दूंगी। मतलब लोग शौक के लिए मैसेज करते हैं, बहुत मेहनत लगती है कहीं भी पहुंचने में जीवन में। तो जरूरतें हैं तो हमें याद करो, और हम आपकी जरूरतों के लिए खड़े भी हैं। शौक इंसान खुद से ही पूरे करता है, माँ बाप भी नहीं करते। माँ बाप एक जोड़ी जूता दिला सकते हैं, 2 जोड़ी दिला सकते हैं। आप चाहते हो जीवन में आपके पास 360 जोड़ी जूते हों, वो आपको खुद की कमाई से लेने पड़े। मैं कहता हूं बहुत बार पहले भी कहा है कि लोग आपकी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, शौक नहीं। शौक आपको खुद पूरे करने पड़ेंगे, और उसके लिए लगती है मेहनत। हम भी किसी जमाने में ऐसे हुआ करते थे, हमारी फोटो तो देख लो, कैसा कोट लगाया करते थे हम, इस कोट के अंदर भी टाई लगाया करते थे हम, हैं ऐसे होते थे हम। लोगों को लगती है आज मजाक, कहना बड़ा आसान है। लोग कह देते हैं आके, अरे तुम्हारे पास तो क्या ही है। लोग ऐसे कहते हैं, अरे आपको क्या फर्क पड़ेगा यार, 10 लाख ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन ये देखो कि वैसे कहने वाले कितने लोग हैं, लाखों में वैसे कहने वाले भी लोग। जब बहुत जरूरत हो तभी याद करो, नहीं तो कहानी पता है कौन सी हो जाएगी, वो भेड़िया और शेर वाली। शेर आया कोई नहीं आया, फिर शेर आया लोग आए, देखा कोई नहीं आया, फिर एक दिन सच में शेर आ गया और फाड़ दी उसने आपके घर की झोंपड़ी और घुस गया अंदर।